नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पब्लिक पानी पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी के अखबारों के पहले पन्ने पर कौन सी खबरें छपी है और साथ ही बात करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल एवं इंटरनेशनल पन्नों के बारे में। तो जानते हैं कि क्या हुआ है पेगासस के नए केस के बारे में, किन किन लोगों का नया नाम जो है सामने आया है, मानसून सत्र में क्यों हंगामा हुआ, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे आज के अखबारों के विश्लेषण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने से। दैनिक जागरण का शीर्षक है, विपक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा, मोदी संसद में हंगामे पर पीएम ने विपक्षी दलों की मानसिकता पर उठाए सवाल। कल जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो वहां काफ़ी हंगामा हुआ, किसान के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर, और जो नया जो जासूसी वाला जो मामला सामने आया है उस पर काफ़ी हंगामा रहा। तो जिसमें जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे तो काफ़ी हंगामा हो रहा था और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। अगली खबर जो है दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर, वो है जासूसी का आरोप, भारतीय लोकतंत्र का बदनाम करने का प्रयास वैष्णव। आईटी मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने संसद में ये कहा कि जो जासूसी का आरोप जो लगाया जा रहा भारत की सरकार पर, जो मीडिया संस्थानों ने जो खुलासा किया है, दुनिया भर की 19 मीडिया संस्थानों ने मिलकर जो है इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि भारत में कई पत्रकार, विपक्ष के नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी जो है जासूसी हो रही थी, फ़ोन को टैप किया जा रहा था। इजराइल की कंपनी NSO की एक सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए, और इसी से जो है सभी की जो है फ़ोन की जासूसी हो रही थी और इसी पर जो ये आरोप लगे हैं तो उसी पर वैष्णव ने कहा, आईटी मिनिस्टर वैष्णव ने कहा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईटी मिनिस्टर वैष्णव का भी फ़ोन जो है वो टैप हो रहा था 2017-18 में, जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया था और वो नौकरशाह थे। तो अगली खबर जो है दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर। हम जासूसी के मामले पर और भी बात करेंगे आगे के अखबारों में, लेकिन पहले यहाँ पर और दैनिक जागरण अखबार के और कुछ सुर्खियों की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं। बकरीद पर लॉकडाउन से 3 दिन की छूट पर केरल से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केरल से इस पर कई सवाल पूछे हैं कि आखिर बकरीद पर क्यों जो है छूट दी गई है। कैप्टन से नहीं मिले सिद्धू, पड़ोस में बैठक कर दिखाई ताकत। सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हें जो है वो कैप्टन से अभी भी नहीं मिल रहे हैं। 50 मिनट में डीएम ने बढ़ाया कृषि कानून का पाठ, निरुत्तर हुए प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन कर रहे जो किसान थे वो गए डीएम के पास, जब गए तो वहाँ पर डीएम ने उन्हें कई तरह की कृषि कानून का पाठ पढ़ाया, दैनिक जागरण ने शीर्षक बनाया है। अगली खबर जो दैनिक जागरण के पन्ने पर है वो है, सेवा के बजाय उद्योग बन गए हैं अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है उन अस्पताल के बारे में जब कोरोना के समय में जो है गुजरात के एक अस्पताल में आग लग गई थी, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और उसी पर जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अगली खबर जो है दैनिक जागरण पर वो है, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली खबर जो है, तालिबान के साथ हैं पाक के 21 आतंकी संगठन। भारत में जो अफगानी राजदूत हैं उन्होंने ये बयान दिया है। अगली अखबार की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला अखबार है, पेगासस फोन हैकिंग मामला, कांग्रेस ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा, भाजपा बोली देश विरोधी लोगों की साजिश, राहुल रेल मंत्री का नाम आने पर बवाल। अब जो है राहुल गांधी का नाम भी है पेगासस फोन हैकिंग मामले में जो है। अब द वायर और अन्य मीडिया संस्थानों ने जो है कई और नाम के खुलासे किए हैं जिसमें राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर का नाम सामने आ रहा है, वर्तमान में रेल मंत्री और आईटी मिनिस्टर जो वैष्णव है उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो इन पर जो है और भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसी पर जो है कहा गया है कि यहाँ पर अमित शाह के द्वारा कि ये पूरी तरह से जो इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कैसे मानसून सत्र से इसे पहले लाया गया है, तो ये बातें कही गई है। इस पर पूरा कल बवाल मचा हुआ था और ये जो हैकिंग मामला है इसमें कई अन्य लोगों के नाम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नाम आए हैं, उन पर जिस महिला ने आरोप लगाया था उनकी फ़ोन हैकिंग का भी मामला आया और उनके परिवार के लोगों का भी नाम इसमें सामने आया। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ऑफिस के लोग हैं, उनकी भी फ़ोन हैकिंग का जो मामला सामने आ रहा है। अगली जो खबर है दैनिक जागरण पर वो है, संसद में विपक्ष गरजा, मोदी भी बरसे। जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो मानसून सत्र में संसद में हंगामा हुआ वो ये उसी से जुड़ी हुई खबर है। फोन फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा गिरफ्तार, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली खबर है, कोर्ट ने केरल से पूछा बकरीद पर छूट क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने केरल से पूछा कि बकरीद पर क्यों छूट दी गई। दिल्ली में आज से एक देश एक राशन कार्ड, दिल्ली में जो है आज से एक देश और एक राशन कार्ड जो है
वो होगा। अगली खबर जो हिंदुस्तान पर वह तस्वीरों में है, द्वारका में भारी बारिश के बीच चलती कार सड़क में समाई। ये कार जो है कल द्वारका में सड़क में समा गई, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। अब हम चलते हैं अगले अखबार की तरफ। अगला अखबार जो हमारे पास है वो है दैनिक भास्कर। आज दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर भी जासूसी से जुड़ा हुआ जो खबर है उसी को फिर से हेडिंग बनाया गया है। जासूसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पूर्व CGI रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला का नाम भी लिस्ट में, सरकार का जवाब। सूची में नंबर होने से जासूसी साबित नहीं हो जाती। जासूसी की दूसरी सूची में राहुल, प्रशांत किशोर और पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा। अमित शाह बोले कि क्रोनोलॉजी समझिए, खुलासे सत्य से पहले क्यों देश को बदनाम किया जा रहा है। तो ये दैनिक भास्कर की हेडिंग है। संसद में नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जासूसी की बात जो है वो खारिज की है कुछ देर बाद उनका, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी नाम जो है इसमें शामिल हो गया। अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी नाम इसमें आया था, और अशोक लवासा वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का जब मामला EC के पास पहुंचा था तो वो उन चुनाव आयुक्तों में से थे जिन्होंने ये माना था कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन बाकी के दो चुनाव आयुक्त ने ये माना था कि उल्लंघन नहीं हुआ है। तो उनके बाद उन पर कई तरह के रेड भी हुए थे, ये उनसे ही लगभग जुड़ा हुआ मामला है। तो ये थी दैनिक भास्कर के अखबार की जो है वो हेडिंग है। अगली खबर जो इसमें है वो है CBSE 10वीं का रिजल्ट आज नहीं, 12वीं का 31 तक। अगली खबर जो है शिल्पा का पति राज कुंद्रा गिरफ्तार, अश्लील फिल्में बनाने का आरोप। अगली खबर दैनिक भास्कर में संक्षेप में है, JEE मेंस तीसरा फेज आज से 4 दिनों तक चलेगा। JEE मेंस का एग्जाम आज से है, तीसरा फेज चलेगा। दैनिक भास्कर की जो दूसरी जो प्रमुख अखबार होती है, प्रमुख पहला पन्ना जो होता है प्रमुख पन्ना, उस पर जो खबर है वो है मानसून से पेट्रोल डीजल की कीमतों, कृषि कानून व जासूसी के आरोपों पर विपक्ष का हंगामा, मंत्रियों का परिचय तक नहीं दे पाए PM, दोनों सदनों में कार्रवाई ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परिचय दे रहे थे तो हंगामा हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, कृषि कानूनों पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने जो है विपक्ष पर हमला किया, कहा हम दलितों, SC ST महिलाओं के मंत्रियों जो नए बने हैं उनके बारे में परिचय करवा रहे हैं तो विपक्ष उन्हें सुनना नहीं चाहता, उन्हें ये रास नहीं आ रहा है कि दलित मंत्री बने, महिला मंत्री बने, आदिवासी मंत्री बने। अगली खबर जो है दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर वो है मणिपुर के सामाजिक कार्यकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक रात भी जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एरेंडो लिचोम्बो को जो है गिरफ्तारी कर लिया गया था, उन पर जो है रासुका लगाया गया था, और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन्हें एक दिन भी जेल में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जो है कोरोना के इलाज में गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल की वकालत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिस पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन पर आरोप लगे थे, जिनके बाद जो है उनके तरफ से, उनके पिताजी के तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अगली खबर जो दैनिक भास्कर पर वो है बकरीदों पर प्रतिबंध में ढील, आपदा प्रबंधन समूह की मंजूरी से लिया, केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर लिया था कि किस तरीके से बकरीद में जो है प्रतिबंधों में ढील दी गई है केरल में और बाकी राज्यों में कांवर यात्रा पर जो है प्रतिबंध लगाया है, तो उस पर ये केरल के तरफ से जो है केरल सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने आपदा प्रबंधन समूह की जो है वो मंजूरी ली। वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने पर केंद्र उचित कदम उठाए, हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। 2-3 कमरे के अस्पताल मानव संकट पर आधारित बड़े उद्योग बने, इन्हें बंद कर देना बेहतर। सुप्रीम कोर्ट जो कल की टिप्पणी है हॉस्पिटल्स पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर खास करके, कि 2-3 कमरे के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उद्योग बन चुके हैं, मानव इन्हें जो है ह्यूमैनिटी के लिए और इलाजों के लिए कम बने हैं, तो इस तरह के हॉस्पिटल जो हैं उन्हें बंद ही कर देना बेहतर है। ये सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी। अब हम चलते हैं अगले अखबार की तरफ। अगला अखबार हमारे सामने जो मौजूद है वो है द हिंदू के पहले पन्ने पर जो आज शीर्षक है वही जासूसी से जुड़े हुए मामले पर है। द हिंदू की हेडिंग है राहुल, प्रशांत किशोर, XEC लवासा ऑन लिस्ट ऑफ स्पायवेयर टारगेट्स, एनालिसिस कंफर्म्स पेगासस अटैक्स और अटेम्प्ट्स ऑन 10 इंडियन नंबर्स सेज रिपोर्ट। इस जो ये जो मामला है पूरा अटैक होने का, इसमें से 10 ऐसे नंबर थे जिन जो कंफर्म हुआ है कि हाँ इन नंबरों पर जो है जासूसी हो रही थी और बाकी जो थे वो टारगेट में थे। और ये जो मामला है इसमें राहुल, प्रशांत किशोर, एक्स लवासा इसमें शामिल हैं। ये कैसे होता है, ये डिकोडिंग जो है पेगासस कैसे करता है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में इसमें लिखा गया है, पेगासस इज अ मेथड ऑफ अटैक इज कॉल्ड जीरो क्लिक अटैक विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्शन बाय द यूजर, द स्पायवेयर कैन हैक डिवाइस सिंपली बाय गिविंग अ मिस्ड व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप कॉल। इसमें बताया गया है द हिंदू के पहले पन्ने पर कि किस तरीके से ये स्पाइवेयर जो है लोगों के फ़ोन को हैक करता है। सबसे पहले तो किसी व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जा सकता है जिसे आप रिसीव करें या ना करें, उनके ज़रिए भी जो है स्पाइवेयर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो है वो तमाम उसमें चला जाता है। कई बार जो है लिंक भेजा जाता है और उनके बाद ये इंस्टॉल हो जाता है। कई बार जो है मोबाइल्स में एक मैनुअली भी अगर किसी के हाथ में आप मोबाइल लेंगे तो ये स्पाइवेयर जो है उनको जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इस तरीके से वो यूजर्स की तमाम जानकारियां, फ़ोन कॉल, कैमराज, व्हाट्सएप, ये तमाम जो है वो स्पाइवेयर के पास चला जाता है, उस सॉफ्टवेयर के पास, और आपकी कोई भी निगरानी कर सकता है। आप अगर आपके साथ फ़ोन भी रहे और आप किसी दूसरे से भी बातचीत कर रहे हैं तो भी ये जो है जानकारियाँ देती रहेंगी। अगली खबर जो है वाइवियर कब्स रिलैक्स फॉर बकरीद एस सी क्वेश्चन ऑन केरला। ये वही खबर है बकरीद पर छूट से देने से जुड़ा हुआ मामला। एमिड प्रोटेस्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ टू टर्बुलेंट स्टार्ट, पीएम वाज अनेबल टू इंट्रोड्यूस न्यू मिनिस्टर। जो संसद में कल हंगामा हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनसे जुड़ी हुई ये खबर है द हिंदू पर। अगली खबर है एस सी ऑर्डर्स मणिपुर एक्टिविस्ट इमीडिएट रिलीज। मणिपुर के एक्टिविस्ट को जो इमीडिएट रिलीज़ करने की जो बात कही गई है वो खबर है द हिंदू के पहले पन्ने पर। अगली खबर जो है वो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट ए मस्ट फॉर एंटरिंग यूपी। उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो मस्ट कर दिया गया है। अब हम चलते हैं द हिंदू अखबार के एडिटोरियल पन्ने की तरफ। एडिटोरियल पन्ने पर क्या लिखा गया है, एडिटोरियल पन्ने पर जो आज खबर है वो है हेल्थ अबव फेथ, एस सी लेज डाउन सैल्यूटरी प्रिंसिपल डेट राइट्स टू लाइफ मस्ट बी ओवरराइड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है फैसला दिया कांवड़ यात्रा को लेकर, और ये कहा कि जो हेल्थ जो है वो विश्वास से जो है विश्वास पर ज़्यादा बड़ा है, तो उनसे जुड़ा हुआ ये लेख है। उनमें एस सी के इस फैसले को जो है सलाम किया गया, सैल्यूट किया गया, और कहा गया है कि राइट टू लाइफ जो है वो कभी किसी भी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनसे जो है बड़ा है, और इसी की तारीफ करते हुए ये लेख लिखा गया है। पिछले दिनों कुंभ में भी किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े थे, ये सभी के सामने हैं, और इन सारी बातों का जिक्र करते हुए इस लेख को लिखा गया। अगली जो खबर है वो है द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन, इफ़ स्कूल रिवर्ट टू बिजनेस एज यूजुअल इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर टू कम्फर्ट ए डाइजेस्टर इन एजुकेशनल आउटकम्स। अभी जो फ़िलहाल स्कूल बंद हैं और किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही है, पिछले कई महीने से स्कूल्स बंद हैं और इनसे जो है किस तरीके से एजुकेशनल लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन जो है ये बता रहे हैं लेखक आर रामानुजम कि अगर जब स्कूल खुलेगा तो फिर वो किस तरीके से खुलेगा, इनको लेकर भी तैयारियां जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत तरीके के नुकसान हो रहे हैं, और इस पर जो है अब सरकार को और जो तमाम लोग हैं उनको तैयारियां करनी चाहिए, कि क्योंकि अगर स्कूल सिर्फ खुलने से नहीं होगा, स्कूल खुलेंगे तो फिर उस तरीके से उस गति से कैसे आ सकता है, इसको लेकर जो है प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इजिप्ट टेक्स सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स, द इंस्ट्रूमेंट्स डैट कैरो इज़ यूजिंग टू एसर्ट इट डाइवर्स इंटरेस्ट इन ए कॉम्प्लेक्स रिलीजन इज़ नॉट मिलिट्री फोर्स बट डिप्लोमेसी। अगली जो लेख है यहाँ पर द हिंदू के पहले पन्ने पर वो तलमीज़ अहमद का है। इन्होंने मिस्र के बारे में बात किया है कि मिस्र जो है कैसे वेस्ट एशियन में अपना सेंट्रल स्टेज ले रहा है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और वो डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, और मिस्र जो है तमाम अन्य देशों के साथ जो है मिल करके जो इसराइल फिलिस्तीनी जो फ़लस्तीन का जो विवाद है वो उन पर वो बात करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है वो अलग मतलब मिलिट्री तरीके से नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से इन मुद्दों को सुलझाना चाहता है, उसी से संबंधित जो है लेख है। अब हम चलते हैं द हिंदू अखबार के इंटरनेशनल पन्ने की तरफ। इंटरनेशनल पन्ने पर क्या खबर है, अगली खबर जो है इंटरनेशनल पन्ने पर जो खबर है वो है ग्लोबल कॉल फॉर एंड टू तालिबान ऑफेंसिव, ओवर डोजन्स नेशन सेज ऑफेंसिव इज इन काउंटर एक्शन टू देयर क्लेम टू सपोर्ट और नेगोशिएटेड सेटलमेंट। जिस तरीके से जो तालिबान है एक तरफ वो कहता है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से वो लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और हमला कर रहा है, तो उन्हें कई देशों ने जो है ये कहा है उनकी निंदा की गई है, तालिबान की का जो है वो निंदा किया गया है कि जिस तरीके से तालिबान एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो है हमले कर रहा है, अफगानिस्तान के नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस पर यूएस ईयू और इनके इन समेत लगभग 12 देशों के लोग ने जो है इसकी निंदा की है, लेकिन बातचीत को जारी रखने के लिए भी बात कही है, तो ये इससे जुड़ी हुई खबर है। अगली जो खबर है गोतबाया राजपक्षे टू सिक सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट। गोतबाया राजपक्षे जो इस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति, हमारे पड़ोसी देश के, वो चाहते हैं कि उन्हें दूसरा टर्म भी मिले, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। अगली खबर जो है इसमें वो है माइक्रोसॉफ्ट हैक कॉज्ड बाय चाइना,
यूएस एलाइज, यूएस एलाइज जो हैं वो ये कह रहे हैं यूएस के अधिकारी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हैक हुआ है चाइना के वजह से, कई ईमेल्स और सर्वर्स पर जो है चाइना जो है हैक कर रहा है, उससे जुड़ी हुई खबर है। यूके लिफ्ट्स कर्व्स एज ए साइंटिस्ट वार्न्स ऑफ पैंडेमिक सर्ज, क्लिनिकली वल्नरेबल यंगस्टर्स टू बी वैक्सीनेटेड। आज से जो है यूनाइटेड किंगडम में छूट दी गई है जो तमाम तरह की, अब बहुत सारे चीज़ जो है वहाँ पे खुले रहेंगे, जो कोरोना के चलते जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था वो खुल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं इसे इसकी आलोचना कर रहे हैं इस फैसले की। अगली खबर द हिंदू के इंटरनेशनल पन्ने पर है, क्लाइमेट चेंज हैज़ एडेड ओवर 1000 न्यू लेक्स इन स्वीप्स एलेप्स स्टडी। स्टडी ये बता रही है ग्लेशियर के पिघलने से कई जगह जो है ये क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव आया उसकी वजह से कई हज़ार से ज़्यादा जो है नए लेक्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये थी द हिंदू अखबार के इंटरनेशनल पन्ने पर खबर। कैसा लगा आपको हमारा अखबारों का विश्लेषण ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।